भारत में अभी जो देयर इज अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बताया गया कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी भविष्य में ऑनलाइन कक्षाओं का फायदा मिले, इसके लिए विशेषज्ञों की राय लेकर ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड हमने तो डिजिटल एजुकेशन दिशा टीवी वगैरह लगा है, लेकिन हाउ टू एजुकेट द डिजेबल स्टूडेंट, देयर इज अ न्यू चैलेंज। वी ऑल आर कंसर्न, एक्सपर्ट्स आर वर्किंग ऑन दैट। आई वुड लाइक टू सीक एडवाइस ऑफ दिस हाउस हाउ टू क्रिएट मोर ट्रेनर, मोर स्कूल, हु ऑल आर डिसफंक्शनल, लेट अस नो देम। कलेक्टिवली वी हैव टू फेस दिस चैलेंज, वी हैव टू एजुकेट ऑल दिस सेगमेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, सरकार शिक्षा में ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे ऐसे बच्चे भी डिजिटल रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएं। हमारी सरकार हर वो संभव कोशिश कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से अच्छा बनाया जाए और नई शिक्षा नीति में किन किन उन मुद्दों को शामिल किया जाए जो अब तक छूट गए, किसी कारण से जो अब तक पूरे नहीं हुए, वो अब शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के तहत पूरे किए जाएंगे। ये हमारी सरकार का प्रयास है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना बयान दिया और बात की लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, अपनी बात को रखा और सुधार के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है ये अवगत कराया। साथियों, आप ये न्यूज़ डीडी न्यूज़ के सौजन्य से देख रहे थे हमारे चैनल पर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।